नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए रोमांचक वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं मादा चीता और उसके बच्चों के बारे में, कैसे होता है चीता का जन्म, कैसे सीखते हैं चीता बच्चे शिकार करना, अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, आखिर कैसे ही चीता बच्चा बनता है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे, देखते हैं प्रकृति का एक अद्भुत नजारा, स्पीड का बादशाह। तो देखते हैं वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, मादा चीता गर्भ धारण करने के बाद 1 से लेकर 9 बच्चों को जन्म दे सकती है। मादा चीता का गर्भकाल 90 से लेकर 95 दिनों तक का होता है। दोस्तों, पैदाइश के समय ही चीता अपने शरीर पर विशिष्ट लक्षण लेकर पैदा होता है। पैदाइश के समय से ही चीते की गर्दन पर रोएदार और मुलायम बाल होते हैं। जैसे जैसे चीते की उम्र बढ़ती है, इसके बाल झड़ने लगते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन बालों के कारण चीते के बच्चे हनी डेगर के संभावित आक्रमणकारी के भय से मुक्त हो जाते हैं। चीते का बच्चा अपने जन्म के 13वें से लेकर 20वें महीने के अंदर अपनी माँ का साथ छोड़ देते हैं। एक आजाद चीते की आयु 12 साल, जबकि पिंजरे में कैद चीते की अधिकतम उम्र 20 वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, नर चीते की तुलना में मादा चीते अकेले रहती है और प्रायः यह एक दूसरे से कतराती है। हालांकि माँ और पुत्री के कुछ जोड़े थोड़े समय के लिए एक साथ जरूर रहते हैं। दोस्तों, चीतों का सामाजिक ढांचा अद्भुत और अनोखा है। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने का समय अगर छोड़ दिया जाए तो मादा चीते अकेले ही रहती है। दोस्तों, चीते के बच्चे शुरुआती 18 महीने में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान बच्चे अपनी माँ से जीने का हुनर सीखते हैं। मादा चीता उन्हें शिकार करने से लेकर दुश्मनों से बचने का गुण और हुनर सिखाती है। जन्म के 2 साल बाद माँ अपने बच्चों का साथ छोड़ जाती है। उसके बाद ये बच्चे अपने भाइयों का अलग समूह बनाते हैं। ये समूह अगले 6 महीने तक साथ रहता है। 2 वर्षों के बाद मादा चीता इस समूह से अलग हो जाती है, जबकि नर चीते हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में गिने चुने चीते बचे हुए हैं। भारत समेत एशिया के कमोबेश हर देश से ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता प्रजाति हर देश से विलुप्त हो चुका है। दोस्तों, चीते के बच्चे बड़े मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक सर्वे से पता चलता है कि चीते के 90% तक बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी 100 बच्चों में से 5 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। दोस्तों, चीतों के बच्चों की मरने के पीछे शिकारी जानवर भी होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बबून और शिकारी परिंदे भी शामिल हैं। साथ ही चीतों के रिहायशी वाले इलाकों में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। दोस्तों, मादा चीते की जिंदगी बड़ी चुनौती भरी रहती है। उसे औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हर दूसरे रोज शिकार करना ही होगा, वरना वो बच्चों का पेट कैसे भर पाएंगी। दोस्तों, शिकार के दौरान उसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है, ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। दोस्तों, छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मादा चीता के लिए चुनौती भरा कार्य होता है। दोस्तों, चीता के बच्चे खेल कूद जाता है। एक चीता का जीवन काल तकरीबन 20 साल का होता है। मादा चीता अपने बच्चों को अपनी पूंछ की मदद से आसानी से अपने पास बुलाती है, खासकर कि तब जब वे लंबी झाड़ियों से गुजरते हैं। दोस्तों, वयस्क चीता मादाएं 17 से 20 महीने के अंतराल में बच्चों को जन्म देती है, लेकिन यदि शावक खो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं तो वह संभोग कर सकती है और जल्दी बच्चों को जन्म भी दे सकती है। गर्भाधान का अवधि 90 से लेकर 95 दिनों के बीच का होता है। घोड़े का आकार औसतन 20 से 5 होता है, लेकिन 1 से 8 शावकों तक भिन्न भी हो सकता है। जन्म के समय शावकों का वजन 150 से लेकर 400 ग्राम तक होता है। दोस्तों, एक चीता 20 साल तक जीवित रह सकता है, अगर सब ठीक हो तो। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की जानकारी? दोस्तों, ऐसे ही रोचक और अद्भुत वीडियो देखते रहने के लिए और असली रोचक जानकारी और प्रकृति की खूबसूरती को देखते रहने के लिए
हमारे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।